नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। नगोचिया एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में चलाया गया सघन मास्क चेकिंग एवं जागरूकता अभियान। आज नगोचिया एसडीओ यतेंद्र पाल और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने पुलिस बलों के साथ नगोचिया बाजार में घूम घूम कर दुकान, मॉल, ठेला, रिक्शा, ऑटो और पैदल चलने वाले लोगों में मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जहां पर एसडीओ यतेंद्र पाल के द्वारा जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने थे वैसे लोगों से फाइन भी वसूला गया। यह सघन मास्क जांच अभियान नगोचिया बाजार, अन्य चौक चौराहों के अलावा मकनपुर चौक पर भी चलाया गया। वहीं जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने हुए थे उनमें से 26 लोगों से 1,300 रुपये जुर्माना वसूला गया। गाँव का ये क्या हुआ, क्या कोरोना का संक्रमण कैसे बढ़ रहा है और अब कोई दो राय नहीं है कि अब आ चुकी है, इसीलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी संबंध में आज एसडीपीओ साहब के साथ और सभी थानों में, सभी ब्लॉक्स में भी अभियान चलाया गया है। हमने भी अभियान चलाया है, नवगछिया मार्केट में अभियान चलाया गया, काफ़ी फाइन काटे गए, लोगों को जागरूक भी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक रहें और सभी लोगों से यही आग्रह है कि देखिए आपकी सुरक्षा आप ही के हाथों में है। बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद भी तो आप पूरी तरह से तभी सुरक्षित रहेंगे जब आप मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और बाकी जितने भी जो डॉक्टर्स और सभी के द्वारा बताए गए नियम कानून है उनका पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो उसी संबंध में इसीलिए है मास्क लगाने में कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो 50 रुपये का फाइन है, 50 रुपये का फाइन। धन्यवाद सर।